सुपरमैन वंडर वुमन, इन्होंने कई बार प्रोटेक्ट किया वर्ल्ड को, लेकिन अभी दिन चल रहे थे वो डार्क थे और होप का नामो निशान नहीं था। वो लोग हमें इससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। तीन सिटीज एक झटके में चली गई, वॉशिंगटन, बाल्टीमोर और मेट्रोपोलिस। लेकिन अभी भी एक बुलबुला जो उम्मीद की किरण पर कायम था वो जिंदा था। वो मिलियंस ऑफ पीपल्स के बीच में जिंदा बच चुका था और वो बुलबुला था ग्रीन लैंटर्न का, जो कि अभी भी डायना बनी थी। उसने एक बबल क्रिएट करके मेट्रोपोलिस की डेली प्लेनेट की बिल्डिंग को बचा लिया, जहाँ पर सर्वाइवर्स आए थे। सब कुछ जा चुका था। ये बहुत ही शर्माने वाली बात थी। लेकिन सब कुछ के बाद भी कॉकरोचेस जिंदा बच जाते हैं और तभी हम देखते हैं लेक्स लूथर को, जो कि सुपरमैन को पुकारता है और सुपरमैन अपनी हीट विजन रेडी करके उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वो कहता है कि मैं यहाँ पर शांति के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया। और वो कहता है कि देखो हमारे सिटी के साथ क्या हो चुका है। यहाँ पर सभी सुपर हीरोज पूरे नेटवर्क, पूरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को और पूरे नेटवर्क्स को तबाह करने में लगे हुए थे। कुछ दिनों के बाद इंटरनेट कनेक्शन डाउन कर लिए गए, सभी देशों के मेजर सर्वर्स तबाह कर दिए गए, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग पूरी तरह से मिटा दी गई और सब कुछ जो कि इस दुनिया को तबाह कर सकता था उसे तबाह कर दिया गया। अब वायरस सिर्फ स्प्रेड हो सकता था पीपल्स के थ्रू। थेमिस्किरा, जहाँ पर दो मेजर सेंचुरीज के लोग अभी भी जिंदा थे जो कि सर्वाइवर्स थे और उनके लिए एक जगह जरूरी थी जहाँ पर वो शरण ले सके। यहाँ पर हिपोलिटा कहती है, डायना तुम सोच भी कह सकते हो इस बारे में कि यहाँ पर जहाँ कोई भी आदमी कभी भी नहीं आया वहाँ पर तुम इन लोगों को लाना चाहती हो। तब वो बताती है कि अगर कोई दुनिया ही नहीं बचेगी तो फिर इस आइलैंड का क्या काम, जो कि पूरी दुनिया से कटा हुआ है। और अगर ऐसा हो भी गया तो फिर सिर्फ हम बचेंगे डेड से घिरे हुए। यहाँ पर मनाने के बाद मेरा, सुपरमैन और वंडर वुमन तीनों ही उस आइलैंड को लेकर बाहर आ जाते हैं। उस आइलैंड को एक जगह से दूसरी जगह रखकर वो सारे सर्वाइवर्स को वहाँ पर ले जाते हैं और पैराडाइज आइलैंड अब बिल्कुल भी पैराडाइज नहीं रह चुका था। गौतम सिटी के जंगल कुछ ही दिनों में बढ़ चुके थे और उनके वॉल्स स्टोन फिल्ड थे जिन्हें कोई भी पार नहीं कर सकता था और सबको पता था कि अंदर क्या है। लेकिन क्या वो इन लोगों की मदद करने के लिए मान जाएगी? यहाँ पर बाहर खड़ा बैटमैन यानी कि डैमियन, ऑलिवर क्वीन और डायना तीनों देख रहे थे कि इन्फेक्टेड्स उस वॉल तक आकर ही मर जाते हैं, जहाँ पर डैमियन कहता है कि अंदर जाने के बाद मुझे बात करने देना। ऑलिवर कहता है, डैमियन क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पर कोई पर्सन बात करने के लिए होगा, क्योंकि अंदर जो है वो आईवी है, वो कोई पीपल नहीं है। तभी किलर क्रॉक जो कि इन्फेक्शन का शिकार था उन पर अटैक करता है, लेकिन तभी कुछ टेंटिकल्स आकर उसे जकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं और साथ ही साथ वो इन तीनों को भी जकड़ लेते हैं। तब ऑलिवर डायना से कहता है कि इन्हें कट करके हमें फ्री करो, लेकिन डैमियन कहता है नहीं, किसी भी प्लांट को हार मत करना। तभी आईवी आते हुए कहती है, सही कहा। यहाँ पर वो बैटमैन को देखते हुए कहती है कि रॉबिन तुमने बैटमैन की तरह ड्रेस क्यों पहना है और तुम नन्हे बैटमैन क्यों बने हुए हो। तब वो बताता है कि बैटमैन जा चुका है। यहाँ पर वो अपने आने की वजह बताता है और कहता है कि सर्वाइवर्स के लिए कोई जगह चाहिए। तब हार्ली क्विन की बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार आईवी मान जाती है कुछ शर्तों पर और वो बताती है कि फ्रूट दिए जाएंगे, लेकिन अगर ग्रीन्स की मर्जी होगी तो ही, और अगर किसी ह्यूमन ने ग्रीन को हार्म करने की कोशिश की तो उन्हें मॉन्स्टर के आगे फेंक दिया जाएगा। तब ऑलिवर क्विन कहता है ये तो काफी मुश्किल है। तब बैटमैन उसकी शर्तों को मान जाता है। साइबॉर्ग और ल्यूथर दोनों ने इंजीनियर किया था कम्युनिकेशंस को। फॉर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड फिर से एक इन्फॉर्मेशन हब बन चुकी थी पूरी दुनिया के लिए और अब न्यू हॉल ऑफ हीरोज बन चुका था फॉर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड में और अब काम करने की जगह बन चुकी थी। यहाँ पर लेक्स कहता है कि ये इम्प्रेसिव है विक्टर, क्योंकि हमने पहले कभी भी काम नहीं किया है। तब वो कहता है क्योंकि तुम बाकी के समय मुझे और मेरे दोस्तों को मारने में लगे रहे। आगे लेक्स ल्यूथर कहता है लेकिन मेरे डिफेंस के लिए, और अभी मुझे रियलाइज हुआ कि तुम काफी काम की चीज हो। यहाँ पर वो बताते हैं कि वो लोग आर्क्स पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर वो बताता है कि एक आर्क में 7 मिलियन पीपल्स बैठ सकते हैं ताकि हम यहाँ से बाहर जा सके। तब सुपरमैन कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तब सुपरमैन को समझाते हुए लेक्स कहता है, सुपरमैन मैं मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हूँ इस प्लेनेट का। और वो बीच में रुकते हुए कहता है, रुको क्या बैटमैन सच में मर चुका है? तब विक्टर कहता है हाँ। तब लेक्स ल्यूथर कहता है तो ठीक है, तो मैं ही मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हूँ इस प्लेनेट का और मेरा मानना यही है कि हम यहाँ से निकल जाए। लेकिन सुपरमैन उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तब लेक्स ल्यूथर कहता है कि एक ही लाइफ टाइम में दो होमवर्ल्ड्स को खो देना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही केयरलेस है।
तभी लुईस का एक पंच उसे अपनी नाक पर पड़ता है और वो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है और बताती है हमें तुम्हारे दिमाग की जरूरत है वरना यकीन मानो तुम जैसे को हम खड़ा भी नहीं करते यहाँ पर। तब डैमियन और जॉन की तरफ देखते हुए वो कहती है कि वॉयलेंस किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता जॉन। तब जॉन कहता है लेकिन ये वाला आंसर काफी कूल था। कुछ हफ्तों बाद सभी सर्वाइवर्स अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे, कुछ गौतम के जंगलों में और कुछ मिस्किरा पर, और यहाँ पर आर्क का काम शुरू हो चुका था जिसमें फ्लैश मदद कर रहा था। और काफी समय बाद इन लोगों को समय मिला था कि वो एक दूसरे से बात कर सके और गुजरे हुए लोगों का दुख बांट सके। कुछ देर के लिए सब कुछ कंट्रोल में था लेकिन अभी भी कुछ कंट्रोल से बाहर था। हमने एक गलती कर दी कि सारे हीरोज को एक साथ ले आए और इस वजह से किसी ने हम पर हमला कर दिया और सभी लोगों को अपने सिर में पहले तो एक बज सुनाई देती है और वो बज बाद में एक चिल्लाने की आवाज बनती है और ये एक टेलीपैथ का काम था। और वो टेलीपैथ सामने आता है एक इनविजिबल डेथ बनकर। यहाँ पर फ्लैश ढूंढ रहा था उस आदमी को जिसने हमला किया लेकिन तब तक मार्शल मैनहंटर पीछे से हमला करता है फ्लैश पर और तभी फायरस्टॉर्म कहता है कि हटो अब इसे जलाने का वक्त है और उसे मारने के बाद बैरी ढूंढता है बैरी को। तब सुपरमैन कहता है कि वो अभी भी भाग रहा है। तब उसे रोकने जाने के लिए पहले आगे बढ़ता ही है तभी उसे रोकते हुए वो कहता है कि अगर तुम बदल गए तो ये ठीक नहीं होगा इसलिए मैं जाता हूँ। तभी ऑलिवर बताता है कि तुम्हें लगता है कि तुम उसे पकड़ पाओगे क्योंकि फास्टेस्ट मैन अलाइव है। तब वो बताता है कि मैं उसे पकड़ूंगा नहीं। ये बताना मुश्किल था कि कितनी तेजी से ये वायरस फैल सकता था क्योंकि सुपर स्पीड अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर रही थी। डेथ स्प्रेड हो रही थी स्पीड ऑफ साउंड के भी दुगनी तेजी से। यहाँ पर सुपरमैन साइबॉर्ग से पूछता है कि फ्लैश सच में मर चुका है। तब वो कहता है हाँ तो फिर ठीक है। तब वो कहता है कि लेकिन तुम उसे पकड़ोगे कैसे। तब वो बताता है कि मैं उसे पकड़ूंगा नहीं बल्कि मैं अर्थ के दूसरे एंड की तरफ से आऊंगा और उसे एक जोरदार टक्कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं फ्लैश की चितड़े उड़े हुए। उस दिन पता चला कि अगर एक अनस्टॉपेबल फोर्स किसी इमूवेबल ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है तो क्या होता है। सुपरमैन जब पीछे देखता है तब सिर्फ चितड़े बचे हुए थे बैरी एलन के और वो कहता है बैरी मुझे माफ करना। और तब हम देखते हैं कि कुछ हिस्सा बैरी का सुपरमैन को इन्फेक्ट कर चुका था। पता नहीं था कि सुपरमैन की बॉडी यूनिक होने के बाद इस वायरस को कितनी देर तक अपने से दूर रख पाती है। मैन जो कि मर नहीं सकता था वो अब इन्फेक्टेड हो चुका था। उसने दुनियाएं पार करके अपनी लाइफ टाइम को जिंदा रखने के लिए यहाँ तक संघर्ष किया था लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं था। यहाँ पर सुपरमैन वैली से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं बैरी को बचा नहीं पाया और वो बताता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। और सुपरमैन आगे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है ताकि वो माँ जॉन और लुईस से उसे कनेक्ट कर सके स्पीड फोर्स के थ्रू। वो इमॉर्टल हुआ करता था लेकिन वो अब एक मॉर्टल की मौत मरने वाला था। यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलने के बाद सुपरमैन सबको समझा रहा था और तभी वो जॉन की तरफ बढ़ते हुए कहता है मुझे पता है कि यहाँ पर सब तरफ डार्क है लेकिन तुम अकेले ऐसे हो जो उम्मीद की किरण हो और तुम पूरे यूनिवर्स को चेंज कर सकते हो ये मुझे पता है। बस बिना प्रेशर लिए अपनी ताकत के साथ लोगों की मदद करो और मुझे पता है कि तुम ये करोगे। और वो ये कहता है मुझे पता है कि तुम बेस्ट हो। यहाँ पर सुपरमैन इन्फेक्टेड होने से पहले अर्थ से दूर जा रहा था। वो अर्थ से दूर जा रहा था ताकि अर्थ के लोग जी सके। वो इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था और वो अर्थ से कांटेक्ट तोड़कर ऑक्सीजन को खुद से काटकर स्पेस में जा रहा था ताकि यहाँ पर वायरस उस तक ना पहुंच सके। लेकिन थोड़ी देर बाद क्लार्क रुक जाता है और अब क्लार्क मर चुका था। अब सिर्फ एक एंटी लाइफ इक्वेशन का एक इंसलेवर जिंदा था जो कि अर्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था क्योंकि वो पूरी दुनिया में होप मिटाने वाला था। तो इसी के साथ आज का वीडियो पर खत्म होता है। तो इस वीडियो को कमेंट करें और अपने सजेशंस मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द